बच्चों, ऑनलाइन सेशन के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश और काव्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले। तो बच्चों, अपठित गद्यांश हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है? प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। अपठित का आशय ही होता है कि जो पढ़ाया न गया, जो आपके पाठ में न हो, वो अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित गद्यांश आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप सोच समझ कर दें। इसमें आपके सोचने की, समझने की और क्वेश्चन के आंसर देने की क्षमता का विकास के लिए ही ये प्रश्न जो है आपको प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और आपको व्याकरण में इसके बारे में जानकारी देगा। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपठित गद्यांश और काव्यांश। इस सेशन में हम सिर्फ अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम अपठित काव्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया। बच्चों, अपठित का अर्थ ही होता है जो पढ़ा नहीं गया। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया। तो इसका आशय यही है, इसकी परिभाषा यही है, वह गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया। अब अपठित गद्यांश के जो प्रश्न है वो दो प्रकार से हमें पूछे जाते हैं। पहला, एक तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। एक में क्या होता है, आपको गद्यांश तो दे दिए जाते हैं और नीचे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उस प्रश्नों का उत्तर उस ऊपर दिए गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। दूसरे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। और दूसरे प्रश्न में आपको गद्यांश दिए जाते हैं, नीचे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके चार विकल्प दिए जाते हैं, चार जो है चॉइस दिए जाते हैं, चार उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी हम कह सकते हैं। तो आपको जो सही आंसर होता है उसे ही जो है सिर्फ आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है या सिर्फ आपको जो है टिक मार्क या डॉट लगाना होता है। लेकिन बच्चों, ये जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न जो होते हैं, ये प्रश्न सिर्फ आपको ग्रेड 5 तक ही प्राप्त होते हैं या करने होते हैं। जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तब ये प्रश्न हमें नहीं मिलते हैं। हमें जो है उन्हीं प्रश्नों को हल करना होता है जो हमारे हमारे जो है गद्यांश दिए रहते हैं उसमें से ढूंढ कर हमें लिखना होता है। ये जो है हम अपर क्लास या जो है 6 के बाद जो है हम ये गद्यांश इसी गद्यांश के बारे में हम लोग ये इसी तो बच्चों, अपठित गद्यांश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जानकारी आपको इस स्लाइड में दी जाएगी। एक तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। एक आपको जो अपठित गद्यांश जो दिए जाते हैं, पहला उदाहरण ये है कि आपको जो है अपठित गद्यांश दे दिया जाता है
और नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको अपठित गद्यांश में ढूंढकर लिखने होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। और दूसरा गद्यांश वो गद्यांश होता है जहाँ पर गद्यांश तो दिए जाते हैं लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर चार ऑप्शन में, चार विकल्प में दिए जाते हैं, जिसमें जो सही आंसर होता है बस उसे आपको जो है टिक लगाना पड़ता है तो वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन बच्चों ये आंसर आपको सिर्फ जो है ऐसे आंसर आपको सिर्फ जो है ग्रेड फाइव तक ही मिलते हैं। ग्रेड सिक्स के बाद आपको जो है पहला ऑप्शन कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आपको उसी गद्यांश में ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो अब तक हमने क्या जाना, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं और अपठित गद्यांश पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तक हमने जो है इन दो क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें जो है उन बातों पर ध्यान रखना है कि लिखते समय ये जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रमुख बातें क्या है उसकी जानकारी हम अब प्राप्त करेंगे। गद्यांश को दो तीन बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ ले। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें गद्यांश को जो अपठित गद्यांश दिए गए हैं उसे ध्यानपूर्वक दो तीन बार अच्छी तरह पढ़कर उसे समझ लेना है। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्य में लिखें। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे उसके उत्तर संक्षेप मतलब छोटे आंसर में अपनी ही भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों, आपको बड़ी वाक्यों में आंसर नहीं है, छोटे छोटे वाक्यों में ही आपको उसके उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न दिए गए गद्यांश में से ही होने चाहिए। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हो तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तब सही उत्तर को चुनें। अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में से उन्हीं को सही करना है जो गद्यांश में आंसर दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके हमें सही विकल्प का जो चुनाव करना है और उसे ही टिक लगाना है। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए, शीर्षक मतलब होता है टाइटल नेम, कहा जाए तो शीर्षक भी लिखे किंतु शीर्षक ऐसा हो जिसमें गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट हो। आपको अपने गद्यांश का, अपठित गद्यांश का अगर टाइटल नेम लिखना हो, शीर्षक नाम लिखना हो, तो आपके जो आपका जो गद्यांश का मूल भाव होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आपको उसका शीर्षक नाम या जो है टाइटल नेम लिखना होता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने एक जो है अपठित गद्यांश को प्रस्तुत किया हूँ, वो आपको जो है आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए जो है उदाहरण तौर पर जो है इस अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ने बाद दिए गए प्रश्नों के जो है उत्तर ढूंढने में प्रयास करते हैं। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। कामचोर आदमी काम करने से डरता है, काम को देखते ही भयभीत हो जाता है। ऐसा आदमी परानंद और पराश्रय पर जीवन गुजारता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उससे मीलों दूर रहती है। इस प्रकार के आदमी में न तो नेतृत्व की शक्ति होती है और न समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा। क्या आपको मालूम है कि उसे कर्म भीरू किसने बना दिया, उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली, आलस ने। उसके सुनहरे जीवन को एक आलस्य रूपी दिमक ने खोखला कर दिया है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वह मनुष्य की कार्य क्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है। तो बच्चों अभी जो है मैंने अपठित गद्यांश को पढ़ा है और आप जो समझ गए होंगे कि इस अपठित गद्यांश का मूल भाव क्या है और मूल उद्देश्य क्या है। अब चलिए बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको
ऊपर जो है अपठित गद्यांश में आंसर ढूंढने हैं। किस प्रकार का आदमी परानंद और पराश्रय पर अपना जीवन गुजारता है? तो बच्चों इसका आंसर जो है यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके अपठित गद्यांश में जो है हमने टिक मार्क कर दिया है, उसको जो है स्क्वायर में जो है उसको रख दिया ताकि आपको पता चले इसका आंसर यहाँ पर है। लेकिन बच्चों इसे जो है हमने अपने जो है शब्दांश में अपने जो है शब्दार्थ अपने जो है वाक्य में लिखने का प्रयास किया है। जो मनुष्य कामचोर होता है वह काम करने से डरता है, वह आदमी परानंद और पराश्रय पर अपना जीवन गुजारता है। लेकिन बच्चों गद्यांश में क्या दिया, कामचोर आदमी काम करने डरता है, काम को देख कर ही भयभीत हो जाता है, ऐसा आदमी परानंद पराश्रय पर जीवन गुजारता है। लेकिन बच्चों मैंने सेम जो है जो यहाँ पर दिया गया है उस लाइन को जो है मैंने सेम यहाँ पर नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने शब्दों में उसे रखना था, मुझे सरल सरल वाक्यों में जो है सामने प्रस्तुत करना था। तो बच्चों आपको भी जो है ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर अगर आपको दिए गद्यांश से मिल जाते हैं उसे अपने ही वाक्यों में बना करके अपने वाक्यों में फ्रेम करके फिर आपको जो है उत्तर पुस्तिका में या अपने नोटबुक में लिखना होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कामचोर आदमी को कर्म भीरू किसने बना दिया है? इसका आंसर जो है मैंने भी जो है अपठित गद्यांश में जो टिक मार्क कर दिया है कि उसे कर्म भीरु किसने बना दिया है, उसका पुरुषार्थ और शक्ति किसने छीन ली है, आलस ने। इस तरह जो है आंसर हमारे गद्यांश में दिए गए हैं। लेकिन मैंने क्या आंसर दिया है, आलस ने कामचोर आदमी को कर्म भीरु बना दिया। तो इसे मैंने अपने शब्दों में जो है फ्रेम करके अपने शब्दों बना करके आंसर के रूप में यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो बच्चों आपको भी ऐसे ही आंसर के ऐसे ही प्रश्नों के आपको ऐसे ही आंसर देने हैं, इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, आलस्य मनुष्य को कैसा बना देता है? यहाँ पर आंसर मैंने टिक किया है, तो मैंने अपने शब्दार्थ में जो है अपने जो है वाक्य में आंसर दिया है, आलस्य मनुष्य को निष्क्रिय अर्थात निकम्मा बना दिया है, कार्य क्षमता को नष्ट कर उसे निष्क्रिय बना देता है। उसे जो है मैंने अपने शब्दों में जो है फ्रेम किया है बनाया है, आलस मनुष्य को निष्क्रिय अर्थात निकम्मा बना दिया है। आप जो है अपने अनुसार जो है वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचोर मनुष्य के जीवन को किसने खोखला कर दिया है? आलस रूपी दीमक ने कामचोर मनुष्य के जीवन को खोखला कर दिया। तो बच्चों मैंने जो है इसका आंसर यहाँ से ढूंढ करके अपने ही वाक्यों में फ्रेम करके इसको बनाया है, आपको भी जो है इन सभी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं होती? यहाँ पर जो है इतने बड़े आंसर है मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन इसको मैंने छोटे और सरल वाक्य में एक लाइन में ही मैंने पूरा कर दिया है। इसका जो है आपके गद्यांश में क्या आंसर दिया गया मैं पढ़ लेता हूँ, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता इसे उससे मीलों दूर रहती है। इस प्रकार के आदमी में न तो नेतृत्व की शक्ति होती है और न समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा, समाज में आलसी और कामचोर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। मैं सरल वाक्य में जो है इसका आंसर दे दिया। तो बच्चों आपको भी ऐसे ही प्रयास करने हैं, आपको दिए गए क्वेश्चन को अपने सरल भाषा में जो प्रस्तुत करने हैं, लेकिन ये आंसर आपके जो है गद्यांश से जुड़े होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, न कि इससे अलग होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों तो आशा करता हूँ कि आपको जो है अपठित गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आज हमने ये जाना कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। अपठित गद्यांश जो पढ़ा गया नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जो हमारे पाठ में नहीं है, उसे हम जो है अनसीन या अपठित गद्यांश कहते हैं। और हमें किन बातों को ध्यान देना है, हमें इन बातों को ध्यान देना है कि शुरुआत में हमें जो है अपठित गद्यांश को दो तीन बार ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर जो है उसके प्रश्नों के उत्तर अपने सरल वाक्यों में उसे देना है, तब जाकर आपका अपठित गद्यांश सुंदर होता है, सटीक होता है और सफल होता है, और आपको अच्छे मार्क्स जो है मिलने अच्छे मार्क्स जो है आपको मिलते हैं। तो बच्चों मेरे दिए गए निर्देश को आप ध्यान रखिए और अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपने वाक्यों में सरल वाक्यों में देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों आपका जो है गृह कार्य होमवर्क कार्यपत्रक है, मतलब वर्कशीट है,
आपको जो है वीडियो के साथ साथ वर्कशीट में दिया हूँ, तो आपको वर्कशीट में दिए गए अपठित गद्यांश के आपको जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उसे हल करने हैं, ताकि जो भी आपको तकलीफें या समझ में नहीं आई होगी वो आप आसानी से हल करते करते आप जो इसको समझ गए होंगे, या फिर आप मेरे वीडियो को बार बार सुनकर भी आप समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है अपठित गद्यांश में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको अपठित गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा अपठित काव्यांश, नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।